नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस बुक के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड टॉपिक है उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक प्रदेश। इसमें दोस्तों टोटल 162 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सभी हिस्ट्री के प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी इतिहास के प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को इस टॉपिक में कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग इससे शुरू करते हैं, इसको डिटेल से कवर करते हैं। एक बात और आप सभी को बता दूं दोस्तों, इस बुक के हम लोग पहले टॉपिक को इसके पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन को बताना है। आइए देखते हैं। 1892 कांग्रेस अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो 1892 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1905 के अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका अधिवेशन वाराणसी में। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में और 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ था। बात करें दोस्तों यहीं पे इनके अध्यक्ष की, तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1936 में किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो 1892 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी ने की थी, यानी ब्योमचंद बनर्जी ने की थी। और मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जे बी कृपलानी ने की थी। याद रखिएगा जे.बी. कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक, तो इसको मैच में देखेंगे दोस्तों तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण कथा में वर्णित कौशल जो वर्तमान अयोध्या में आता है, राज्य का संबंध किस राजवंश से था, तो कौशल राज्य का संबंध इच्छ्वाकु राजवंश से था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, तो 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे दोस्तों, तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 8 महाजनपद। ठीक है, भारत में कुल 16 महाजनपद स्थित थे, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में आते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आते थे। ये 8 महाजनपद कौन कौन से थे, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वस और मल्ल, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से आते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचाल राजधानी महाजनपद की राजधानी थी, तो पांचाल महाजनपद की राजधानी थी कौन सी थी, तो इसकी राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है, पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी। कौशाम्बी की बात करें दोस्तों, तो ये वत्स की राजधानी थी, कौशाम्बी ये वत्स की राजधानी थी। मथुरा ये सूरसेन की राजधानी थी, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। और श्रावस्ती की बात करें तो ये कौशल की राजधानी थी। ठीक है, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा महाजनपद गंगा यमुना द्वाब का पूर्व एवं वर्तमान रुहेलखंड का क्षेत्र था, तो यह कौन सा था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पांचाल। पांचाल महाजनपद गंगा यमुना द्वाब का पूर्व एवं वर्तमान रुहेलखंड का क्षेत्र था। ठीक है, 20 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, तो गांधी जी की खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को कहाँ से पारित किया गया था उत्तर प्रदेश से, तो इलाहाबाद से, जो वर्तमान प्रयागराज है यहाँ से पारित किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी, तो चौरी चौरा की घटना वर्ष 1922 में घटित हुई थी। चौरी चौरा की घटना की बात करें दोस्तों, तो यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान घटित हुई थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, और चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है, इसे भी जानते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन यानी एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो वर्ष 1924 में की गई थी।
किसने की थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो सचिन सान्याल ने की थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी, तो काकोरी ट्रेन डकैती ये 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। ठीक है, राजन लाहिड़ी को किस जेल में फांसी दी गई थी, तो इन्हें गोंडा में। ठीक है, राजन लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो अभी पीछे हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को देखे हैं जिसका गठन 1924 में कानपुर में किया गया था। अब हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन वर्ष 1928 में की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भगत सिंह ने कहाँ पे किया था, तो दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यहाँ जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो देखिए, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, तो यह बिल्कुल सही है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था, तो ये भी सही है। राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाणकालीन साक्ष्य मिला है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था, तो देखिए दोस्तों, सारनाथ के धर्मराज के स्तूप के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो धर्मराज स्तूप का निर्माण सारनाथ में किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था, न कि पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसका ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सब मूल रूप से पश्चिमी एशिया की एक बर्बर तथा खाना बदोश जनजाति थी, तो देखिए शक ये पश्चिमी एशिया की नहीं अपितु ये मध्य एशिया की रहने वाली जनजाति थी, और शक की बात करें दोस्तों तो शक एक खानाबदोश जनजाति थी जो मध्य एशिया में रहती थी, न कि पश्चिमी एशिया में, और ये बर्बर जनजाति की नहीं थी। ठीक है, तो इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था, तो यह बिल्कुल सही है, कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में किया था। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, वह प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, तो बिल्कुल सही है। हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में उसकी वंशावली प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है, तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका दोनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो देखिए सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश में केंद्र की बात करें तो यह आलमगीरपुर और हुलास है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा की बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और लोथल ये गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल के अधिकांश उपकरण क्वार्टरजाइट पत्थरों से निर्मित थे, तो बिल्कुल सही है। सराय नाहर से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कथन सही है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका तीनों कथन सही है। अगला देखते हैं, यहाँ महाजनपद और उसके राजधानियों को मैच कराना है। आइए देखते हैं, चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी। वत्स की राजधानी की बात करें तो यह कौशाम्बी थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी और शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसको मैच कराएंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किस शासक ने जौनपुर पर आक्रमण कर इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, तो देखिए जौनपुर पर आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था, तो यह बहलोल लोदी ने मिलाया था। ठीक है, बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत में इसे मिला लिया था। आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, तो 1504 को। ठीक है, 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामानंद का जन्म दोस्तों यह प्रयागराज में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। काशी वर्तमान वाराणसी में स्थित है।
तो काशी में किस भक्तिकालीन संत का जन्म हुआ था? तो काशी में देखिए रैदास का जन्म काशी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी, तो किसने की थी विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना? तो बल्भाचार्य ने की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न भक्ति संतों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो देखिए कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इन सभी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अवध के किस नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था? तो इसका साथ शुजाउद्दौला ने, ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, अवध के किस नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ स्थापित की थी? तो वह कौन सा नवाब था दोस्तों? तो वह आसफुद्दौला था। ठीक है, आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ में स्थापित की थी। ठीक, अवध के किस नवाब के शासनकाल में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अवध का कौन सा नवाब था उस समय? तो इसका नवाब उस समय वाजिद अली शाह था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाजिद अली शाह के शासनकाल में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 1856 में मिलाया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एतमादउद्दौला के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसका निर्माण मुमताज महल ने करवाया था। तो देखिए एतमादउद्दौला के मकबरे की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण मुमताज महल ने नहीं, इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, तो पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। यह मकबरा पित्रादुरा शैली में अलंकृत है, तो ये बिल्कुल सही है। इस मकबरे में लाल संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो इस मकबरे में लाल संगमरमर का नहीं दोस्तों, इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका तीसरा कथन गलत हो जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन को बताना है, तो पहला और तीसरा इसका असत्य कथन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एतमादउद्दौला के मकबरे की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण नूरजहां ने कहाँ पे किया था? तो आगरा में करवाया था। किसने करवाया था? तो नूरजहां ने। और इस मकबरे को पित्रादुरा शैली में अलंकृत किया गया था। इस मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, न कि लाल का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख निर्माण और निर्माता को बताना है। आइए देखते हैं, जौनपुर नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो जौनपुर नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? तो आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने। ठीक है, जौनपुर नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, आगरा शहर का सिकंदर लोदी ने। अटाला मस्जिद की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने और लाल दरवाजे का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ प्रमुख स्थापत्य और निर्माण को बताना है। जामा मस्जिद ये कहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर ने, एतमादउद्दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने, और अकबर के मकबरे का निर्माण अकबर ने नहीं, इसका निर्माण अकबर का बेटा जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकबर का मकबरा जहांगीर ने आगरा के उपनगर सिकंदरा में करवाया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मुगलसराय में हुआ था। ठीक है, प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह कौन थे? तो देखिए प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित होने वाले वह व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया था। और बात करें मरणोपरांत प्रथम महिला की, तो पहली महिला मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली कौन महिला हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अरोड़ा आशफ अली हैं। ठीक है, यहीं पे पहले वैज्ञानिक की बात करें तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सी वी रमन थे, और पहली महिला भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और पहली विदेशी कौन थे जो भारत रत्न
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसे तो वह थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, यहीं पे एक और याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिसे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वह कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वे पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम मनोहर लोहिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राम मनोहर लोहिया की बात करें तो साइमन आयोग के विरोध में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था और वर्ष 1934 में इन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। ठीक है, ये दोनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन को बताना है, कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो लखनऊ अधिवेशन ये 1916 में हुआ था, कानपुर अधिवेशन ये 1925 में, इलाहाबाद अधिवेशन की बात करें तो 1892 और मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी और JB कृपलानी मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता 1946 में की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना बलिया में की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी, तो यह चित्तू पांडे के, ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में हुई थी। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने 1854 में हड़प नीति द्वारा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया था, तो झांसी को किसने अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, झांसी को कब अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया था, तो 1854 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसके बचपन का नाम गोविंद था, तो गोविंद बचपन का नाम किसका था, तो नाना साहेब का। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म स्थल कौन सा है, तो मंगल पांडे का जन्म स्थल ये बलिया है। ठीक है, किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस एक स्वतंत्रता सेनानी को मरणो उपरांत वर्ष 2015 में भारत रत्न दिया गया था, तो वर्ष 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थलों से प्राप्त हुए हैं, तो नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सोनभद्र और प्रतापगढ़, ये सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लहुरादेव से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम प्रमाण लहुरादेव से प्राप्त हुए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो धान की खेती के साक्ष्य ये कोलडिहवा से मिले हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है, तो यह हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो देखिए इसकी बात करेंगे तो इसमें नवाब, महाराज और बुद्ध सम्मिलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, तो कालिंजर का किला ये बांदा जनपद में स्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों का संबंध वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। आइए यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित नामों को। उत्तर प्रदेश का नाम किस वर्ष में कौन से नामों से जाना जाता था, तो देखिए उत्तर पश्चिमी,
उत्तर पश्चिमी ये 1836 में और आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत इसे 1902 में। संयुक्त प्रांत की बात करें तो संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 में उत्तर प्रदेश जाना जाता था और उत्तर प्रदेश के नाम से यह 1950 में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी सुमेलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास से क्षेत्र को कहा जाता था, तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चेदी कहा जाता था, तो किस क्षेत्र को चेदी कहा जाता था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी कहा जाता था। ठीक है, सूची एक को सूची दो सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इमारत और उसके स्थान को बताना है। आइए देखते हैं। 84 गुंबद ये उत्तर प्रदेश के इस स्थान पर स्थित है, तो ये जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप की बात करें तो ये कुशीनगर में। और पादमगिरी पर्वत ये पर्वत है, तो यहाँ पे ये चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया, तो बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था, तो ये भी कथन सही है। और महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रियासी क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लखनऊ महानगर की कुल भूमि के 23% नहीं, यहाँ पे 55% भाग पर रियासी क्षेत्र पाया जाता है, तो ये तीसरा कथन इसका गलत हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पे करवाया? इसका निर्माण सरघना में करवाया, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा यह फैजाबाद में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो सुमेलित नहीं उसे बताना है। जोश ये रचनाकार हैं दोस्तों, इन सभी रचनाकारों के जन्म स्थान एवं मूल स्थान को बताना है। तो देखिए, जोश ये मलिहाबाद के थे। रघुपति सहाय फिराक ये कानपुर के नहीं, ये गोरखपुर के थे। ठीक है, रघुपति सहाय कहाँ के थे? तो गोरखपुर के थे। ठीक है, जिगर ये मुरादाबाद के और चकबस्त ये लखनऊ के रचनाकार थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। अमीर खुसरो एटा के थे। मिर्जा गालिब की बात करें तो मिर्जा गालिब आगरा के, और जोश ये मलिहाबाद के थे। रामप्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद के नहीं थे दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँपुर में हुआ था। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो देखिए, इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो मीर और गालिब इन दोनों का जन्म आगरा में हुआ था, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई थी? तो शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती इनकी कहाँ पे मनाई गई थी? तो शाहजहाँपुर में मनाई गई थी। ठीक है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम पुनः नामकरण किया गया है। तो इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या किया गया है? तो इसका नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। ठीक है, देवबंद आंदोलन यूपी यानी उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कब आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1866 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। इसे प्रदेश के अनेक
उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो यह बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम कृषि की बात करेंगे तो यहाँ पे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, न कि अन्न, जौ और धान के, ठीक। तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्राचीनतम कृषि की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेलम घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी, तो बेलम घाटी की खुदाई प्रोफेसर जी आर शर्मा के नेतृत्व में कराई गई थी। मध्यपाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, तो मध्यपाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये सरायनाहर से मिले हैं, ठीक है। मध्यपाषाण युग में दमदमा जो प्रतापगढ़ में स्थित है, उत्खनन के दौरान कितने समाधान मिले थे, तो मध्यपाषाण काल में दमदमा से उत्खनन के दौरान कुल 41 समाधान मिले थे, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्यपाषाणिक काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं महदहा से, ठीक है। मध्यपाषाणिक काल के महदहा स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आलमगीरपुर दोस्तों ये हिंडन नदी किनारे स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आलमगीरपुर के निवासी किससे परिचित थे, तो आलमगीरपुर के निवासी लेखन कला से परिचित थे। 1773 में अंग्रेजों ने मराठों को किस स्थान पर पराजित कर दुआब से निष्कासित कर दिया था, तो रुहेलखंड से, ठीक है। 1773 में अंग्रेजों ने मराठों को रुहेलखंड से पराजित कर दुआब से निष्कासित कर दिया था, ठीक है। 1797 ईस्वी में शहादत अली खां कहाँ का नवाब बना, तो यह बना था अवध का नवाब, ठीक है। 1797 में शहादत अली खां अवध का नवाब बना था, ठीक है। वर्ष 1833 में उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, तो 1853 में उत्तर प्रदेश में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह का शुरुआत कब हुई थी, तो मेरठ में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो यह 10 मई 1857 में हुई थी, ठीक है। देश में 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी, यह तो यह हुई थी मेरठ में, ठीक है। 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम मेरठ में हुई थी। 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था, तो किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था दोस्तों, तो नाना साहेब को, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो कहाँ से 1857 के नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन थी, तो बेगम हजरत महल थी, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने, यहाँ लेने होगा, लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो देखिए सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या 1857 में अवध से थी, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था, तो ब्रिजिश कादिर को, ठीक है, ब्रिजिश कादिर को बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब घोषित किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो इस जनरल हीरोज से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जनरल हीरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था, तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था, तो ये मौलाना लियाकत अली थे, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी, तो कुशीनगर
ये किस गणराज्य की राजधानी थी दोस्तों? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो जैन और बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी जिले में हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इसे ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था? तो देखिए दोस्तों, अयोध्या में ऋषभनाथ, अनंतनाथ और सुमितनाथ का जन्म हुआ था, संभलनाथ का जन्म यहाँ पे नहीं हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्य विधि की नींव रखी थी? तो यह सारनाथ में, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा, वर्तमान कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र यानी जिले में नाथ संप्रदाय की नींव पड़ी जो हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गोरखपुर में पड़ी थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं था? तो मगध साम्राज्य से राजवंश की बात करें दोस्तों, तो इसमें हर्यक्ष, शिशुनाग, शुंग और नंद, ये सभी थे। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर्यक्ष, शिशुनाग और शुंग नंद, ये चारों मगध साम्राज्य से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें नहीं हो, मगध साम्राज्य का साम्राज्य से संबंधित राजवंश नहीं है, तो इसमें कोई वो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो यह मौरी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौरी राजवंश की स्थापना की थी, माफ करिएगा, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की बात की जा रही है। उनके पिता किस राज्य की स्थापना की थी? तो मौरी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अशोक के टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। ठीक है, अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्र गुप्त का प्रशस्त लेख प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये प्रयाग में प्राप्त हुआ है, प्रयाग से। ठीक है, अशोक स्तंभ में हरिशेर द्वारा रचित समुद्र गुप्त का प्रशस्त लेख प्रयाग में प्राप्त हुआ है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था, तो देखिए हर्षवर्धन के समय कन्नौज महोदय श्री और हर्ष की नगरी, ये दोनों कहलाता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, कला साहित्य एवं धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज किस धर्म का अनुयायी था? तो यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने 1018-19 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर फिरोजाबाद के युद्ध में गढ़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया था? तो गढ़वाल वंश के जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1194 चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को इसमें पराजित किया था। चलिए अगला देखते हैं, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। ठीक है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? तो यह इलाहाबाद। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। ठीक है, 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिवदयाल साहब ने की थी। ठीक है, 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? तो 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में यह 1916 में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है,
कांग्रेस व मुस्लिम लीग के एक साथ अधिवेशन लखनऊ में 1916 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में हुआ था। 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, अवध किसान सभा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो अवध किसान सभा का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ में था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, एका आंदोलन किसने चलाया था? तो एका आंदोलन दोस्तों मदारी पासी ने चलाया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का इक्तदार था? तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का इक्तदार था। ठीक है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह इल्तुतमिश ने करवाया था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, टोपरा और मेरठ से दो अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1394। ठीक है, मलिक सरवर ख्वाजा ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना 1394 में की थी। सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। बाबर को अपने शासन के शुरुआती दिनों में उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में अफगानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? देखिए, इसमें जौनपुर, इटावा और गाजीपुर, ये सभी क्षेत्रों से बाबर को अफगानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। घाघरा के तट पर बाबर ने किसको हराया था? तो घाघरा के तट पर बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को हराया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो टोडरमल ये सीतापुर से, उत्तर प्रदेश के सीतापुर से थे। ठीक है, किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वह कौन सा शासक था दोस्तों? तो यह शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो जामा मस्जिद ये संभल में अवस्थित है। फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सिकरी नामक स्थान के शहर की स्थापना अकबर ने की थी। जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया था। ठीक है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो इसकी बैठक कानपुर में बुलाई गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो यह इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क था। ठीक है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो भारत का एथेंस बर्नियर ने। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। ठीक है, चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जैतन मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है?
तो कहाँ पे इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति है? तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो किस संग्रहालय में संरक्षित है ये? तो ये सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेकाक भुत्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र जाना जाता था। ठीक है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया। तो कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था राजधानी को? तो इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बस्ती जिले में है। ठीक है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो स्थित है। तो वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, ये कहाँ पे स्थित है? तो ब्रह्मवर्त ये बिठूर में स्थित है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो कन्नौज में। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना कन्नौज में की थी। सूची एक को सूची दो सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं, 84 गुंबद ये कहाँ पे स्थित है? तो जालौन में स्थित है। ताजमहल आगरा में, सारनाथ वाराणसी और कादमगिरी पर्वत ये चित्रकूट में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्मारक और उसके स्थान को, धमेक स्तूप ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो धमेक स्तूप की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, तो कौशाम्बी में ये घोषिताराम मठ स्थित है, और कुशीनगर में रामाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। श्रावस्ती की बात करें, सहेत महेत ये श्रावस्ती में स्थित है। ठीक है, मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो अमीर खुसरो ये पटियाली से संबंधित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, 6वीं सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था? तो चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में कहा जाता था। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था। ठीक है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो काल्पी नगर ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? तो यह वाराणसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। गुप्त काल में टेराकोटा किसे कहा जाता था? तो पक्की मिट्टी को कहा जाता था। टेराकोटा ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कानपुर में है। ठीक है, गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ठीक है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण 1780 के दौरान करवाया गया था। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह बिठूर में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो नैमिषारण्य तीर्थ ये सीतापुर जनपद में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो यह किया गया था 1833 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं, यहाँ पे पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति को बताना है। तो कोयल शहर की बात करें दोस्तों, तो कोयल शहर अलीगढ़ में,
महोत्सव नगर महोबा को और महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था। जजाक भुक्ति ये कौशाम्बी को नहीं कहा जाता था, जजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। ठीक है, जजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। पूछा जा रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, तो किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था, तो एका बृहद जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह हुलास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, तो काकोरी कांड से कौन नहीं संबंधित थे, तो देखिए ये खुदी राम बोस काकोरी कांड से नहीं संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह ये काकोरी ट्रेन कांड हत्या से ट्रेन कांड से संबंधित थे। ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद। ठीक है, वर्तमान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक, चलिए अंतिम प्रश्न इस टॉपिक के देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची एक को सूची दो सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को बताना है, आइए देखते हैं। देखिए मेरठ के बात करें तो कांग्रेस में तो मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो मेरठ में 1946 में हुआ था। कानपुर की बात करें तो 1925 में कानपुर में इसका अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में 1916 में और बनारस की बात करें तो 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखेंगे मैच में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर को दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।